आज अंबेडकर भवन से जंतर मंतर तक संविधान बचाओ एक रैली निकाली गई। रैली के जो सहायक सहयोगी जो संस्थाएं थी, आप एलडीएफ के मुख्य संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता जी और देशराज जी को देख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या निष्कर्ष निकलेगा आज की रैली का। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे क्या नाम बोला आनंद पर्वत में सातम चौधरी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सातम चौधरी जी हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सातम जी, जो आज पहले तो मैं आपके बारे में दर्शकों को बता दूं कि सातम जी मान्यवर काशीराम साहब के साथ कई वर्ष इन्होंने काम किया है, हमारे बड़े पूजनीय हैं, क्योंकि बहुजन समाज के अंदर जो भी महापुरुष हमारे हुए हैं उनके साथ कोई भी व्यक्ति अगर कंधे से कंधे मिलकर समाज की लड़ाई में साथ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन अब सातम जी ने चुनाव भी लड़ा, बहुत सारे काम उन्होंने किए, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द सातम जी के भी दिल में है कि समाज जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पा रहा है। सातम जी, क्या कहेंगे आज के इस परिवेश के, इस पूरे परिवेश को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं इस नज़र से देखता हूं कि जो हमारा भारतीय संविधान है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही संघर्ष करके बनाया जी, आज वो संविधान हमारा खतरे में है। उदाहरण के तौर पे 9 अगस्त को इसी पार्लियामेंट में संसद मार्ग के थाने पे उस संविधान की प्रतियां जलाई गई, जिसके बारे में पूरे देश में आक्रोश हुआ, पूरे देश में लोगों ने FIR दर्ज कराई। इसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ, आज भी लोगों की जो संविधान को न मानने वाले लोग हैं आज भी उनकी नज़रें संविधान पर हैं, और संविधान में कोई कमी नहीं है। संविधान को इसलिए लोग चाहते हैं, जलाना चाहते, ख़त्म करना चाहते, क्योंकि संविधान के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा का संदेश है। इस देश के लोग नहीं चाहते स्वतंत्रता, समता रहे, स्वतंत्रता रहे, भाईचारा रहे, ऐसा इनको नहीं चाहिए। ये चाहते हैं आज भी जो परंपरा इस देश में थी पहले वही परंपरा लागू हो, मनु का संविधान लागू हो, जातियाँ बनी रहे, ऊंच नीच का भेदभाव बना रहे, लेकिन हम लोग अब ऐसा नहीं करने देंगे। आज चौधरी साहब इन सबको नहीं करने देंगे, सवाल सभी उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसे घृणित कार्य जैसा कि आपने बताया कि 9 तारीख को संविधान की प्रतियां भी जलाएगी लगातार समाज में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दलित समाज को टारगेट कर उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, वर्तमान सरकार के अंदर लगातार दलित आदिवासी समाज की उपेक्षा हो रही है, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है कि इसको हम रोकें कैसे। देखिए, इस सरकार में वर्तमान सरकार है जो उसमें दलित समाज के लोग भी हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उनके बंधुआ मजदूर हैं, उनके पास आइडियोलॉजी नहीं है, अपने समाज की वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि बात करेंगे तो उनको मार के भगा दिया जाएगा, तो इसलिए वो बात नहीं करते। समाज की जो अपेक्षाएँ हो रही है, जो समाज का शोषण हो रहा है, ये जो हमारे समाज के लोग जो बंधुआ मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं इनकी वजह से हो रहा है। और आज हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि हम कोई पार्टी की तरफ से नहीं, कोई पॉलिटिकल की तरफ से नहीं, किसी नेता की तरफ से नहीं, दिल्ली में जितने भी हमारे संस्थाएं हैं सब संस्थाएं सड़कों पर उतरेंगी, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चौधरी साहब, लगातार 2 महीने से सोशल मीडिया पर 5 मार्च को भारत बंद के आंदोलन का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन आपके मंच से आज एक बार भी इस बात को नहीं उठाया गया, क्या आप समाज से अलग हैं? ऐसा है, जो 5 तारीख को आंदोलन का बंद आंदोलन का आह्वान किया गया है तो 5 तारीख को भी हम लोग शरीक होंगे और भारत बंद में भारत बंद करवाएंगे। जहां भी देश में कहीं भी जुर्म जास्ती होगा, जहां भी हमारे लोगों पर न्याय अत्याचार होगा, संविधान से छेड़छाड़ होगी, वहां हमारे समाज के लोग इकट्ठा होंगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, देश की कोई भी राजधानी हो, प्रदेश की कोई राजधानी हो, सब जगह इकट्ठा होंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है उसका कर्जा हम लोगों के ऊपर है। अब हमारा ये समाज बाबा साहब अम्बेडकर का कर्जा उतारने के लिए तैयार है। अब हमारा समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कर्जे को उतारने के लिए तैयार है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। सर, आज का जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया, क्या लगता है कि इसका दबाव मनुवादी सरकार पर आप डालने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग सफल होंगे मनुवादी सरकार पर डालने के लिए इसका दबाव। कैसे? इस देश की जितनी संस्थाएँ हैं दलित संस्थाएँ जी, हम लोग उनसे बैठ के बात करने, हमारी बातें चल भी रही, अभी भी हमारी मीटिंग जारी है जी। कल 5 मार्च को जो हम भारत बंद करने का हम लोगों ने संस्थाओं ने ऐलान किया है, इस देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान का हम लोगों को ये नहीं लग रहा कोई पार्टी रक्षा कर सकती है। अगर इस देश में रक्षा कोई कर सकता है भारतीय संविधान का, इस देश की संस्थाएँ कर सकती हैं, और राजनीतिक पार्टी तो को वोट चाहिए, उनको वोट लेना है, जब समय आता है तो कहते हैं हम तो जो है अब इस बात के इसलिए हम आज जो ज्ञान ज्योति जो ये हम लोगों ने भारत का संविधान बचाओ का अभियान चलाया है, इसलिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस देश की जो इस व्यवस्था में जो सरकार है दलित समाज के
85 जो सांसद बैठे हुए हैं दलित समाज के, वो एक बात भी भारतीय संविधान को जब प्रतियां जलाई गई 9 तारीख को, उन लोगों ने इसका घोर विरोध नहीं किया। उन लोगों को उसी समय उस कुर्सी से अपने त्याग पत्र दे देना चाहिए जब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की प्रतियां जलाई गई। तो ऐसे लोगों से हम लोग उम्मीद नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि देश कल पता आपको खुद ही लग जाएगा इस देश में भारत बंद होने से, कि जैसे हम लोगों ने 2 अप्रैल को बंद किया था, इसी तरीके से कल 5 मार्च को भी भारत बंद होगा और पूरे देश में मैसेज जाएगा कि संविधान के साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। इस देश की दलित संस्थाएं नहीं बख्शेंगे, इस देश का दलित बहुजन समाज नहीं बख्शेगा। हम लोग रोड पे आ जाएंगे, बाबा साहब के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ की तो हम लोग अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात सर ने बोली है कि अगर हमारे जो नेता हैं जो बाबा साहब के 25% आरक्षण की वजह से आज संसद में बैठे हैं, अगर वो हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, हमारे पक्ष में बात नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग गद्दियों से उतारने का काम करेंगे। LDF के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता रानी जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। गीता जी, क्या वजह है हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन महिलाओं की जो संख्या है, कहीं ना कहीं हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारे संगठन है सामाजिक, वो कहीं ना कहीं मंच पर कहते तो हैं कि महिलाओं की आबादी होनी चाहिए लेकिन वो अपने घर से अपनी महिलाओं को निकाल कर लाने में सक्षम नहीं है। सर, उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे देश में जो मनोव्यवस्था रही, आज भी पुरुष उस मनोव्यवस्था के अनुसार ही चलता है। वो कहता तो है लेकिन मानता नहीं है। वो कहता है कि बहन बेटी घर से बाहर आए लेकिन वो समझता है कि मेरी ना आए दूसरों की आए। और जब तक महिलाएं समान रूप से संविधान के अनुसार इक्वलिटी लेते हुए आगे नहीं बढ़ेंगी, समाज के अंदर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता, बड़ी क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि समाज की 50% जनसंख्या है ये, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मैं आपके माध्यम से, समता चैनल के माध्यम से अपनी बहनों से अपील करती हूँ, इस चीज़ को समझें। आज तुम्हें जो भी मिला है, आज तुम जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, वो सब बाबा साहब की देन है, तो हमें संविधान की देन है। उसी से हम आज इक्वल हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं, उसके ऋण को उतारा जाए और स्वयं बाहर निकले। यहाँ किसी मर्द से पूछने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम संविधान के अनुसार सभी समान हैं। बहुत अच्छी बात गीता जी ने बोली है। तथागत बुद्ध की बात यहाँ पर मुझे याद आती है, अपना दीपक खुद बनो। अगर आप अपने घर से अपनी महिलाओं को नहीं निकालेंगे तो कैसे दूसरों की महिलाओं पर आप उंगली उठाएंगे। कल 5 तारीख है और एक बहुत बड़े महा आंदोलन का आगाज पूरे भारत में किया है बहुजन समाज में, क्या कहेंगे, LDF की क्या भूमिका रहेगी कल? देखिए, देश में जितने भी आंदोलन होते हैं, जो 2 अप्रैल का आंदोलन था जी, वो 2 अप्रैल का आंदोलन बगैर किसी नेतृत्व, बगैर किसी पार्टी संगठन के भी इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने बहुत बड़ा इस देश के अंदर एक बहुत मिसाल कायम किया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे आंदोलन समय समय पर इस देश के गली गली में, चप्पे चप्पे पर बहुजन समाज का आदमी, हमारे नेता, हमारे समाज के लीडर, प्रधान पार्टियों के जो भी पदाधिकारी हैं, वो रोडों पर उतरे और आज संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब को, संविधान को इस देश के अंदर सर्वोपरि करने के लिए आज हमारे पास बिल्कुल वाटरशेड का एक जो ना एक समय आ गया है। और अगर आज हम चूक गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मैं तो ये आह्वान करता हूँ कि जो भी साथी जहाँ पर भी है इस देश के अंदर, भारतीय संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब के मिशन को स्थापित करने के लिए जहाँ पर मौका मिलता वहीं पर मैदान में कूद जाना चाहिए। देसा जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस दुश्मन से हमारी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं हमसे 100 गुना आगे तेज है? हमें कहीं ना कहीं थिंक टैंक अपने समाज से निकालने होंगे, कहीं ना कहीं हमें चर्चा करनी होगी और बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा कि किस तरह हम अपने दुश्मन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर, आप परिचय देते हुए बताइए अपना। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश गौतम है जी और मैं करोल बाग से हूँ। दरअसल बात क्या है कि कोई भी संस्था, जो सामाजिक संस्था है, जो मूल निवासियों की संस्था है, हम वो कुछ भी कार्य करती है हम उसका समर्थन करते हैं जी। कोई किसी भी बैनर के नीचे हो, कैसे भी पार्टी का काम करे, कैसे भी हमारी जो अधिकारों की रक्षा करते हैं, हम उसका समर्थन करेंगे। देसा जी, क्या मैं कहना चाहता हूँ, हाँ मैं मुझे उस बात का जवाब देता हूँ मनोज जंदानी जी। देखिए, देश का इतिहास है,
कि यहाँ क्रांति होती है तो उसका प्रतिक्रांति साथ साथ चलती है जी। आज हम यहाँ पे छोटा सा भी काम करते हैं उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास साथ साथ चलता रहता है। तो क्रांति प्रतिक्रांति हो रही है, उसका एक ही रास्ता है कि देश के अंदर एक ऐसी लीडरशिप आनी चाहिए जो निडर हो, जो निर्भय हो, जो ईमानदार हो, जो ज्ञानवान हो, जो समर्पित हो और समाज के लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहे। जिस दिन ऐसा नेतृत्व देश के अंदर, बहुजन समाज के अंदर नेतृत्व पैदा हो गया या हो जाएगा या हो रहा है, तो उस टाइम हमारे को आप, हमारी प्रतिक्रांति जो आप, हमारी आप बहुत बड़ा सवाल वर्तमान में बहुजन लीडरशिप के ऊपर उठा रहे हैं। देखिए हम क्या उठा रहे हैं, आज हमारे सामने ऐसी चुनौतियां हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश के अंदर आज बहुजन समाज का आंदोलन पीक पर होने के बावजूद हमारा इस देश के अंदर पीएम सीएम के दावेदारी हमारी अपनी होती जी, अपने बल पे होती। लेकिन पार्टी कहती है वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ने से क्या होता है? हम चाहते हैं कि आज हमारा समय 70 साल के बाद में इस देश के अंदर, इस देश की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, आप वोट मत देखिए तो जनसंख्या को देखिए ना, और संविधान किसके पक्ष में देखिए। अगर इन सब के बावजूद भी आज हम देश में पीएम के दावेदार नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो अपने आप ही परिस्थितियाँ कह रही हैं जी। और परिस्थितियों का समाधान यही है कि जिस दिन कोई आदमी ऐसे सार्थक तौर पर देश में कुछ करेगा वो अपने आप इस देश के अंदर चमक जाएगा। तो इस समय ये है कि हमें बहुत ज़्यादा दिन रात जो है क्रांति को आगाज देने के लिए दिन रात निडर होकर अच्छे व्यक्तित्व के साथ में, ईमानदारी के साथ में मिशन को समाज घर घर तक और संविधान को ले जाने के लिए अपने जान की परवाह किए बगैर इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आहुति देनी चाहिए। गीता जी कल के आंदोलन के लिए आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है दिल्ली जाम होगी। हाँ बिल्कुल अंदानी जी, दिल्ली जाम होगी। बहुजनों का ये एक उद्देश्य भी हो गया है कि हमें भारत बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज़ को ये सुन तो लेते हैं लेकिन उसको दबाया जा रहा है, सुन के भी अनसुने हो रहे हैं। तो आज ज़रूरत है देश में आवाज़ बुलंद करने की, और ये आवाज़ बुलंद होगी। तो महिलाओं को आप किस तरीके से उनको समझाएंगी कि वो भी घर से निकले कल पुरुषों के साथ? बिल्कुल, मैं अंदानी जी, मैं आपके चैनल से ये अपील करती हूँ कि कल भारत बंद में महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और लोगों को बताएं कि महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं, वो बाबा साहब की अनुयायी हैं, वो हर हालत में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कोई भी आंदोलन को आगाज दे सकती हैं। साथियों एक बहुत बड़ी बात LDF की टीम ने यहाँ पर बोली है, कल पूरा उनका, जैसा कि उन्होंने देशराज जी ने खुद चैनल पर ये कहा है, शूटिंग में ये कहा है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर कल के आंदोलन को सफल करने में बहुजन समाज के साथ हैं। तो मेरी भी आप लोगों से ये अपील है चैनल की तरफ से ज़्यादा लोग घर से निकले, बीवी को लेकर, बच्चों को लेकर, अपने घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनको भी लेकर निकले। पता चलना चाहिए कि दिल्ली बहुजन कैसे जाम करते हैं। 2 तारीख का आंदोलन भी फीका पड़ जाना चाहिए। चलते हैं